ज्वेलर शॉप पर लूट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया अरेस्ट, पूछताछ जारी। जयपुर के चमू में पुलिस ने करीब एक साल पहले ज्वेलर शॉप पर हुई लूट के वारदात के मामले में मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी से मनोज नेहरा से कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि 11 अप्रैल 2021 को बापू बाजार मोरी स्थित एम के सन्स एंड ज्वेलर्स के यहाँ मुख्य आरोपी मनोज नेहरा और उसके साथियों ने बंदूक की नोक पर लूट के वारदात को अंजाम दिया था। परिवादी इंदिरा कॉलोनी निवासी अर्जुन सोनी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस अनुसंधान में मुख्य आरोपी मनोज नेहरा और उसके साथियों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने 5 आरोपियों सुमेर सिंह उर्फ पपलिया उर्फ वसूली, शंखचाक पांडे, ललित सोनी, महेश कुमार, योगेंद्र सिंह मुंड उर्फ मुंडिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के कब्जे से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल जेवरात बरामद किए थे। पुलिस ने अब मुख्य आरोपी मनोज कुमार नेहरा उम्र 33, पुत्र जेत सिंह जाट निवासी अलकपुरा डेगाना नेछवा जिला सीकर को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी मनोज कुमार नेहरा से पूछताछ में जुटी है। इस दौरान और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ कई थाने में लूट, डकैती, मारपीट और अवैध हथियारों को लेकर केस दर्ज है।